ये कार है महिंद्रा TUV 300 T4 प्लस। इस कार में गियर का प्रॉब्लम है, गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है और बॉडी फुल वाइब्रेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है। तो सबसे पहले हमने गियर बॉक्स को डाउन किया और क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील को हमने पहले रिमूव कर लिया। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये क्लच प्लेट है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये काफ़ी हीट होकर ये जल चुका है। थोड़ा बहुत बचा हुआ था पर हम इसको नया भी डालने वाले हैं। ये बिल्कुल काला पड़ चुका है, वैसे ये काला तो होता ही है पर ये काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ है। ये प्रेशर प्लेट भी देख सकते हैं आप, ये प्रेशर प्लेट भी बिल्कुल काला पड़ चुका है हीट होने की वजह से। ये फ्रेंड्स प्रेशर प्लेट, ये TUV का हमें नहीं लग रहा है, ये स्कॉर्पियो का प्रेशर प्लेट है क्योंकि इस नंबर का पार्ट नंबर स्कॉर्पियो में डलता है। ये इसका डुअल मास फ्लाईव्हील है, मेन प्रॉब्लम इस फ्लाईव्हील के अंदर ही थी। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बराबर है, ये वाला मैं फिंगर जो रखा हूँ ये बिल्कुल इसके लेवल में है और इधर उठा हुआ है। ये फ्लाईव्हील बिल्कुल जाम हो चुका है फ्रेंड्स, ये फ्लाईव्हील ना आगे जा रही है ना पीछे, ये बिल्कुल स्टक हो चुका है। और ये फ्लाईव्हील को खोलने के लिए हमें ये रिपीट को हमें काटना पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल जाम हो चुका था। नट इस सामने आ गया हुआ था, नट के सामने ये वाला पोर्शन आ चुका था क्योंकि नट हमें खोलने में बन नहीं रहा था। तो हमने इसका रिपीट काट कर इस फ्लाईव्हील को निकाला बाहर किसी तरह से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ जो है ये फ्लाईव्हील का पोर्शन डाउन है और इस तरफ फ्लाईव्हील का पोर्शन उठा हुआ है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा इसका पार्ट नंबर भी दिखा देता हूँ। ये 571N इसका पार्ट नंबर है, मेड इन जर्मनी, 2018 का मॉडल है ये। तो इसमें हमें न्यू फ्लाईव्हील इंस्टॉल करना होगा तभी जाके ये प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आगे क्या क्या चेंज करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे चल कर दिखाने वाला हूँ। ये इसका स्लिप सिलेंडर है फ्रेंड्स, ये स्लिप सिलेंडर भी हमें नया इंस्टॉल करना होगा क्योंकि इतना कुछ करने के बाद हमें स्लिप सिलेंडर भी चेंज करना पड़ेगा। स्लिप सिलेंडर रिमूव करने के लिए ये लॉक को पहले हम निकालेंगे और इसके दो नट हैं 12 mm के, इसको भी हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें न्यू स्लिप सिलेंडर हम इंस्टॉल करेंगे। तो फाइनली हमने महिंद्रा के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से हमने ये पूरे पार्ट्स लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये स्लिप सिलेंडर है जो कि आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर और MRP वगैरह देख सकते हैं। ये डॉट पोर्ट ब्रेक वाल, ये भी महिंद्रा का है। तो ये सब सामान हम इस कार में फिट करने वाले हैं। ये इसका क्लच किट, इसका भी पार्ट नंबर आप देख सकते हैं MRP। मैं थोड़ा सा एक क्लियर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इसका पार्ट नंबर है और ये MRP है। और मैं आपको दिखाता हूँ डुअल मास फ्लाईव्हील, ये बहुत काफ़ी वज़न है इसमें, ये बहुत महंगी भी है। ये 20,887 रुपये का है फ्रेंड्स, ये बहुत महंगी है डुअल मास फ्लाईव्हील। इसका आप पार्ट नंबर देख सकते हैं 851N, ये नई वाली फ्लाईव्हील का पार्ट नंबर है।
इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब पार्ट्स हमें चेंज करना होगा, तब जाके बॉडी की वाइब्रेशन और गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। तो फाइनली हमने डिब्बे से बाहर निकाल लिया फ्लाईव्हील को। मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखाता हूँ इसमें कितना प्ले होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल ज़रा सा प्ले है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो ख़राब है फिर। ये तो न्यू है तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये मैं इसका भी पार्ट नंबर आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये मेड इन इंडिया है फ्रेंड्स। जो पहले वाला था वो मेड इन जर्मनी था, ये मेड इन इंडिया है। इसका पार्ट नंबर 851N है लास्ट में। तो फ्रेंड्स आप देख लिए, मैं इसको कसना कैसे है मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये इसमें ये 6 बोल्टों पर कसा हुआ रहता है फ्रेंड्स। ये नट कसेंगे T55 का सॉकेट लगेगा फ्रेंड्स। ये T55 सॉकेट है, इस सॉकेट से हम इस नट को कसेंगे फ्लाईव्हील के। अब क्लच प्लेट कैसे फिट करना है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये क्लच प्लेट है, ये गलत है तरीका क्लच प्लेट रखने का फ्लाईव्हील के ऊपर। ये इस तरह से कुछ बैठेगा, इस पर इस तरह से हमको बैठा देना है फ्लाईव्हील पर, और उसके ऊपर से प्रेशर प्लेट को हमें रखना है। मैं पहले वाला जो प्रेशर प्लेट दिखाया उससे बिल्कुल अलग है ये प्रेशर प्लेट। तो कुछ इस तरह से आपको बैठा देना है, और ये 6 बोल्टों पर कसा हुआ रहता है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से बैठाकर हमें बिल्कुल सेंटर करके और 6 बोल्ट को टाइट कर देना होता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक बार देख लेने के बाद बिल्कुल आप इजी फिट कर लोगे। तो ये वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, इसको प्रेशर प्लेट की साइड रखना है ऊपर की साइड, और ये वाला हिस्सा जो है फ्लाईव्हील की तरफ रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा स्लिप सिलेंडर निकाल कर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये हमने न्यू स्लिप सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। यही स्लिप सिलेंडर स्कॉर्पियो S4 के ऊपर जो जितनी भी गाड़ियाँ महिंद्रा की आती हैं, S4, S4 प्लस, 6 प्लस, S10 में भी लगती है यही स्लिप सिलेंडर। ब्लोरो पावर प्लस में भी यही स्लिप सिलेंडर लगती है। ये कुछ इस प्रकार का है ये। तो फाइनली हमने कार में फिट कर दिया फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट, डुअल मास फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट। अब हम फिट करेंगे गियर बॉक्स के अंदर स्लिप सिलेंडर को, और उसके बाद हम गियर को फिट करेंगे कार के अंदर। तो हमने फाइनली फिट कर दिया गियर बॉक्स के अंदर स्लिप सिलेंडर को,
तो फ्रेंड्स फाइनली सब ठीक करने के बाद गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, दिक्कत हो रही थी, मतलब आवाज़ घर 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 की आवाज़ आ रही थी। तो ये हमें सेल्फ का ये पार्ट हमें चेंज करना पड़ा। ये सेल्फ का पिनियन है और ये कार्बन ब्रश है, इसको हमें चेंज करना पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि घर घर की आवाज़ आने लगी जब सेल्फ लगाने के समय। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ रगड़ खा के चल रही थी या कोई चीज़ रगड़ा रही थी, घसरा रही थी, ऐसा आवाज़ आने लगा फ्रेंड्स। तो ये हमें सेल्फ का पिनियन